नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर क्विज 8 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत सागर। चलिए देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा, बाद में हम आंसर्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन, विद रेफरेंस टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन करके एक एजेंसी है, एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इंटरनेशनल कोर्ट है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, इनमें से कौन कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कंडक्ट्स कावकाज 2020 ए स्ट्रैटेजिक कमांड मिलिट्री एक्सरसाइज। कावकाज 2020 आजकल न्यूज में आ रहा है, ये कौन सा कंट्री ऑर्गेनाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, चूज द करेक्टली मैच स्पोर्ट्स विद द लोकेशन। कुछ स्पोर्ट्स के नाम लिखे हैं और लोकेशन, इनमें से कौन कौन सा मैंने करेक्टली मैच किया है आप लोग लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द इंडियन टाइम जोन। अपना इंडियन टाइम जोन इन चारों में से एक कंट्री शेयर करता है, इनमें से कौन सा कंट्री है। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज दंडकारण्य फॉरेस्ट रीजन मेनली लोकेटेड। दंडकारण्य फॉरेस्ट एरिया है, ये चार ऑप्शन में कौन कौन सा स्टेट्स में मेनली लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लॉया जुर्गा और ग्रैंड असेंबली टू डिसाइड ऑन द फ्रीइंग ऑफ 400 तालिबान फाइटर्स हैज बिगन एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। लॉया जुर्गा और ग्रैंड असेंबली, ठीक है, 400 तालिबान टेररिस्ट और फाइटर्स को जेल में डाला है, तो उनको रिलीज करना है कि नहीं, इसके बारे में डिसाइड करने के लिए लॉया जुर्गा और ग्रैंड असेंबली शुरू हुआ है कौन सा कंट्री में। क्वेश्चन नंबर सेवन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तीन स्टेटमेंट्स लिखा है, और विच इंडियन नेशनल पार्क इज दिस, एक कौन सा इंडियन नेशनल पार्क के बारे में ये तीन स्टेटमेंट्स लिखा है बताना है। क्वेश्चन नंबर एट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू चेयरमैन कौन है। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर इन एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में एक फ्लाइट रिकॉर्डर रहता है, ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, उसका कलर क्या है। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिक मेमोरियल इन इंडिया इज द टॉलेस्ट अमंग द। चार हिस्टोरिक मेमोरियल लिखे हैं, इसमें सबसे टॉलेस्ट, सबसे ज़्यादा हाइट किसको है आपको बताना है, ठीक है। तो हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म हुआ, उम्मीद है कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। चलिए देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर वन, विथ रेफरेंस टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में चार स्टेटमेंट्स लिखा है, आंसर 1, 2, 3 एंड 4 चारों सही है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो आजकल ये न्यूज में इसलिए है, इटालियन मरेन्स केस हुआ था, मतलब फरवरी 2012 केरला, ऑफ कोस्ट केरला में एनरिका लेक्सी करके एक इटालियन शिप आए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके अगेंस्ट एक फिशरमैन के एक बोट थे उनमें उन्होंने फायर किया। ये लोग सोचा कि पायरेट्स आ रहा है, तो जो भी है फिशरमैन, दो फिशरमैन की मौत हुई, और तब से केरला हाई कोर्ट में केस चल रहा था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, फिर वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट में भी चला गया, ठीक है। तो ये लिखा है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक एजेंसी है, वही देख रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका हेडक्वार्टर है हेग नेदरलैंड्स में। इट प्रोवाइड्स ए फोरम फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है, मॉडरेट करना, बीच में रह के मॉडरेट करना कौन सा सही है कौन सा गलत है, एंड अदर पीसफुल मीन्स। इट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रिसोल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर ऑफ स्टेट्स। सी यही लिखा है, मेंबर स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो रहा है, तो इनके बीच में मॉडरेट करते हैं लोग। द रूलिंग्स ऑफ पी सी आर बाइंडिंग बट ट्रिब्यूनल हैज नो पावर्स फॉर एनफोर्समेंट, ठीक है। ये लोग अपना राय दे सकते हैं कौन सही है कौन गलत है, ये सब बोल सकते हैं, पर एनफोर्स नहीं कर सकते, कोई पनिशमेंट एनफोर्स नहीं कर सकते। तो ये न्यूज में क्या लिखा है, देखो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द हेग इन द नेदरलैंड्स ऑन थर्सडे रूल दैट इंडिया इज एंटाइटेड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम इटली। जो दो फिशरमैन मारे उनके फैमिली को कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है इंडिया, और इन केस ऑफ द टू इटालियन मरेन्स हु आर अक्यूज्ड ऑफ किलिंग इंडियन फिशरमैन इन 2012 ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है। ये लिखा है, ये दो मरेन्स जो फिशरमैन के मौत के कारण है, ये दोनों है वो कैप्टन ऑफ द शिप एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा ये, अब ये लोग कॉम्पेंसेशन देना है, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कंडक्ट्स कावकाज 2020 ए स्ट्रैटेजिक कमांड मिलिट्री एक्सरसाइज। कावकाज 2020 रशिया है, क्या है देखते हैं। कावकाज 2020 इज ए स्ट्रैटेजिक कमांड एंड स्टाफ ड्रिल्स कंडक्टेड बाय रशिया। बेसिकली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इनमें कौन कौन इन्वाइटीज है देखते हैं।
अपार्ट फ्रॉम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड मेंबर स्टेट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, आप लोग सुना होगा। SCO में कौन कौन है मेंबर्स, देखो 8 मेंबर स्टेट्स है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। तो इसको कोकसस 2020 भी बोलते हैं। क्या है कोकसस? कोकसस एक एरिया है। मैं कोकसस के बारे में एक छोटा सा मैप बनाया हूँ। देखो एक कोकसस है ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में जो एरिया, इतने कंट्रीज जो लिखे हैं, इतने कंट्रीज, ठीक है, इतने कंट्रीज आते हैं, तो इतने कंट्रीज के इस तरफ और इस तरफ, ये जो एरिया, ये ब्लैक सी है, कैस्पियन सी, ये जो एरिया को कोकसस एरिया बोलते हैं, राइट। तो इसमें एक क्वेश्चन भी है, देखो कैस्पियन सी को कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर कर रहा है, इतने कंट्रीज है, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, एंड ब्लैक सी को इतने कंट्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली मैच पोर्ट्स विद ए लोकेशन। तो 1, 2, 3 एंड 4 है, जस्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नोन एज नवा शेवा इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, ध्यान रखना, लोकेटेड मुंबई। तो दिस इज एक्सेस बाई थाने क्रीक। देखो क्रीक मतलब ये होता है, मैं कल के क्वेश्चन में भी सर क्रीक डाला था, सर क्रीक कहाँ पे है, या वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात में। तो ये देखो ये ऐसे होते हैं क्रीक्स, ठीक है, इसी से एक्सेस करते हैं पोर्ट को। अब कामराजर पोर्ट नाम से पता चल जाएगा, इनोर पोर्ट भी बोलते हैं, वो चेन्नई में है। कोरमांडल कोस्ट, कोरमांडल कोस्ट कहाँ पे, जो तमिलनाडु विशाखापट्टनम का कोस्टल एरिया है, तो उनको कोरमांडल कोस्ट बोलते हैं, तमिलनाडु तो विशाखापट्टनम का जो कोस्टल एरिया है। अब मुर्मगाव तो नाम से पता चल जाएगा, गोवा में है। और दीनदयाल पोर्ट ऑल्सो नोन एज कंडला पोर्ट, ये तो गुजरात में है, ठीक है। तो आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4, चारों सही लिखा है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द इंडियन टाइम जोन। इंडियन टाइम जोन क्या है, GMT प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो आंसर इज श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन, देखो एक्सप्लेनेशन से पहले देखते हैं बांग्लादेश में क्या है, हमसे आगे आधा घंटा, पाकिस्तान हमसे पीछे आधा घंटा, श्रीलंका सेम, नेपाल हमसे आगे 15 मिनट। देखो श्रीलंका पहले हमारे हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को शेयर नहीं कर रहा था, 15 अप्रैल 2006 से ये शुरू हुआ, हमारा जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो अलाहाबाद में है, मिर्ज़ापुर में ऑब्जर्वेटरी है, उसी को वे लोग अपना टाइम मान लिया, मतलब श्रीलंकन स्टैंडर्ड टाइम भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और सेम है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज दंडकारण्य फॉरेस्ट रीजन मेनली लोकेटेड। देखो आंसर है छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। देखो दंडकारण्य फिजियोग्राफिक रीजन इज इन ईस्ट सेंट्रल इंडिया, तो इतने एरिया में फैला है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये आप लोग पढ़ लेना, मैं बताता हूँ ब्रीफली इसके बारे में, न्यूज़ में क्यों है, आज हिंदू के एक आर्टिकल में भी इसके बारे में है। ये एरिया माओइस्ट अटैक्स के लिए बहुत नोटोरियस है, माओइस्ट का मेन एरिया है, तो इधर बहुत सारे माओइस्ट अटैक हुआ भी है, तो इसलिए आजकल न्यूज़ में भी है। तो इसके बारे में थोड़ा फिजियोग्राफी इधर लिखा है कहाँ कहाँ पे है, थोड़ा सा देखो छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ऐसे एरिया में मेनली है, ठीक है, मेनली है दंडकारण्य एरिया, यही चार स्टेट्स में फैले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉया जिरगा और ग्रैंड असेंबली टू डिसाइड ऑन द फ्रीइंग ऑफ 400 तालिबान फाइटर्स हैज बिगन एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन, ए ट्रेडिशनल पब्लिक असेंबली, देखो ये पढ़ लेना मैं बताता हूँ सिंपल में। देखो लॉया जिरगा क्या है, एक ट्रेडिशनल पब्लिक असेंबली, एक मीटिंग है बेसिकली, ये अफगानिस्तान कंडक्ट करता है। अभी ये किसके लिए शुरू हुआ है, अभी 400 हार्डकोर पर्सनस, टेररिस्ट है बेसिकली, ये बहुत बहुत ज़्यादा क्राइम किया हुआ टेररिस्ट है, इनको जेल में डाला है 400। तो तालिबान के टेररिस्ट है, ये लोग तालिबान क्या बोल रहे हैं, इन लोगों को रिलीज कर दो नहीं तो हम अटैक करेंगे। तो प्रेसिडेंट जो अशरफ गानी है वो बोला ये लोग सीरियस क्राइम्स कन्विट किए हैं तो ऐसे छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए ये मीटिंग, ये ट्रेडिशनल पब्लिक असेंबली जो लोया जिरगा में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और सोचेंगे कि इनको छोड़ना है नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो लोया जिरगा कहाँ है, अफगानिस्तान में शुरू हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन इंडियन नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, द पार्क इज स्प्रेड ओवर 820 स्क्वायर किलोमीटर एंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल, द गंगा एंड सोंग रिवर्स फ्लो थ्रू द पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, आंसर इज राजाजी नेशनल पार्क। देखो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, इज एन इंडियन नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व भी है, दैट एनकॉम्पसेस द शिवालिक्स नियर द फूड हिल्स ऑफ हिमालयस, हिमालय के नीचे है। तो पार्क इज स्प्रेड ओवर 820 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा है,
एंड थ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, कौन कौन सा? हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में है। और 1983 थ्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेमली चिल्ला, मोटीचूर एंड राजाजी सेंचुरी, ये तीनों को मिला के ये राजाजी नेशनल पार्क बना दिया था 1983 में। हाँ, गंगा एंड सोंग रिवर फ्लो थ्रू द पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा रिवर और सोंग रिवर, उधर के एक रिवर है सोंग, ये दोनों इस पार्क से जाता है। और राजाजी नेशनल पार्क हैज बी नेम्ड आफ्टर सी राजगोपाल आचारी, ये प्रोमिनेंट लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, सी राजगोपाल आचारी के बारे में हम लोग सुना है, उनको राजाजी कहते थे। ये हमारा सेकेंड एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया था और भारत रत्न का रिसिपिएंट भी है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? आंसर इज वेरी डायरेक्ट, प्रदीप कुमार जोशी। सी, प्रदीप कुमार जोशी अभी आज ही हुआ है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी है। वसुंधरा मिश्रा सेक्रेटरी ऑफ द यूपीएससी है। राजीव कुमार कौन है? फिनेंस सेक्रेटरी है। और हर्षवर्धन श्रृंगला फॉरेन सेक्रेटरी है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर इन एन एयरक्राफ्ट? थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ब्लैक बॉक्स लिखा है और कलर है ऑरेंज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो ये जो मैंने पिक्चर डाला है, ये है फ्लाइट रिकॉर्डर, इसकी कलर ऑरेंज रहता है, बेसिकली ब्राइट ऑरेंज रहता है, इसलिए रहता है कभी क्रैश हो गया तो इसको जल्दी पहचानने के लिए ब्राइट ऑरेंज कलर दिया हुआ है। ठीक, बस इतना ही है कलर के बारे में। और ये क्या है देखते हैं, ये ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर इज हेवीली प्रोटेक्टेड रिकॉर्डिंग डिवाइस सिमिलर टू हार्ड डिस्क और मेमोरी कार्ड। बेसिकली एक हार्ड डिस्क मतलब मेमोरी, कुछ डाटा को सर्व करने के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, कॉकपिट में पायलट और कोपायलट के बारे में जितनी भी बातचीत हो रहा है, और पायलट और एटीसी और दूसरे एयरक्राफ्ट या कुछ भी इंजन के साउंड, सारे रिकॉर्ड होता है इसके अंदर। तो मतलब कभी क्रैश हो गया तो इसमें निकाल के फिर प्ले करके देखेंगे क्या हुआ था, ये देखने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सेफ रहता है, बहुत हार्ड पैकिंग रहता है इसका, मतलब क्रैश हो गया, कुछ भी एक्सप्लोजन हो गया तभी ये खराब नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। ये इसलिए मैं डाला है क्योंकि आपको पता ही होगा कल रात को केरला में कैलिकट एयरपोर्ट में लैंडिंग के टाइम में एक एयरक्राफ्ट स्किड हो गया एयर इंडिया का, और काफ़ी लोगों की मौत हुई है। बारिश के कारण एक्सप्लोजन तो नहीं हुआ, नहीं तो और ज़्यादा हो जाता मौत का, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिक मेमोरियल इन इंडिया इज द टॉलेस्ट अमंग द? देखो आंसर है ताजमहल। तो सब लोग सोचे होंगे कुतुब मीनार आंसर है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। देखो भाई, ताजमहल स्टैंडिंग एट ए हाइट ऑफ 73 मीटर्स इज टॉलर देन कुतुब मीनार, द टॉलेस्ट ब्रिक मीनार इन द वर्ल्ड। देखो कुतुब मीनार क्या है, टॉलेस्ट ब्रिक मीनार है। ठीक है, ये 72.5 मीटर है, पर अपना ताजमहल कितना है, 73 मीटर है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज कमीशन बाई द फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1199, वेरास ताजमहल वॉज कमीशन इन 1632 बाई मुगल एम्परर शाहजहां। तो क्लियर है। सो ये थोड़ा सा फनी क्वेश्चन, तो इसे हमारा आज के 10 क्वेश्चंस खत्म हुआ है। ठीक है, आप लोगों की कमेंट्स और व्यूज जरूर लिखेंगे, और आप लोग कितने मार्क्स लाए ये भी लिखना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।